जैसे ज्ञान हुआ परम विनाश, अब आपके लिए कर्म कांड व्यर्थ हो गया, योगी
स्वामी दीजिए। तो इसलिए आत्मज्ञान, मैंने आपको कहा आत्मज्ञान का जो ज्ञान है ना, ये सबसे श्रेष्ठ विद्यालय है। महर्षि में ही संतमत सत्संग ये अध्यात्म का श्रेष्ठ विद्यालय है। यही वो ज्ञान है जो सीधा जीव को पीप से मिलाने की बात करता है और कहता है कि संपूर्ण संसार जिस परमाणु वेदव्यास ने क्या कहा मोक्ष पद क्या है, वो कहते हैं सैव ज्योतिषाम ज्योति सैव परमेश्वर व्यास दर्शन सैव परमेश्वर सैव सैव ज्योतिषाम ज्योति सैव परमेश्वर। ये संपूर्ण तारा चंद्र जो चंद्र तारे सूर्य हम में आप में सब में जो प्रकाश है चेतना है वो उसी परमात्मा के सैव परमेश्वर वही सबका शासन करने वाला सबका शासन करने वाला सबका स्वामी है। सब उसी के आदेश में है, उसके आदेश से सूर्य में गति है, तारों में गति है, चंद्रमा में गति है, सब उसी के आदेश में है। हम और आप की जीवन उसी के डोर की डोर उसी के हाथ में है। जब वो चाहेगा आदेश करेगा हमको इस शरीर को त्याग करना पड़ेगा, रेलों में सफर करना पड़ेगा। आए की डोर की जमानत न हो अगर तेरे पर ले मालूम न हो तो उनका आदेश होगा हमको भी संसार छोड़ देना। हम सब उसी कठपुतली है उन्हीं के आदेश में चलते हैं। सैव पार ब्रह्मा वह संपूर्ण सृष्टि को भर कर संपूर्ण सृष्टि पर शासन करता है, उत्पन्न करता है, पालन करता है, संहार करता है और सृष्टि को भर के सबसे परे अनंत होकर के है स ब्रह्मा हम न संशय और वह ब्रह्म मैं हूँ। ये अवस्था जिस दिन आ गई वही मोक्ष पद है और ये मैं ब्रह्म हूँ जीते जी अनुभव कर लेना। ऋषि की स्वाद को ब्रह्मास्मि ऋषि अनुभूति करते हैं, अंतर साधन करके माया के सारे आवरण को पार करके जीव और पीव नदी और सागर की तरह संगम हो गया। तब कहते हैं कि अब जीव जीव नहीं रहा, सो जाने दे दे जाने जाने दे दे जीते जी इस अवस्था को मोक्ष कर सके ब्रह्म ही मैं यह अनुभव कर लो ब्रह्म से मिल। तो अब ये ऊंची से ऊंची अध्यात्म का अवस्था ये ज्ञान स्वामी विवेकानंद रामतीर्थ परमहंस योगानंद जैसे लोग जब अमेरिका में विवेकानंद ने पहली बार जब इस तरह की ब्रह्म विद्या भारत का कहना शुरू किया तब हम लोगों को महसूस हुआ कि जिस भारत में हम मिशनरी भेजते हैं भारत को धर्म सिखाने के लिए इंग्लैंड स्वर्ण उस समय अमेरिका के सबसे बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने विवेकानंद के ज्ञान को सुनने के बाद लिखा था कि हमारे ईसाई जगत यूरोप अमेरिका के लोग मूर्ख हैं जो भारत भेजते हैं अपने धर्म प्रचारकों को वहाँ के लोगों को धर्म सिखाने के लिए। धर्म की जिस ऊंचाई को भारत छू लिया है उस ऊंचाई को तो हमें जाकर के भारत में सीखना चाहिए। यहाँ के पादरी को आ जाकर धर्म सीखना चाहिए भारत में, न कि धर्म सीखना चाहिए। ये धर्म गुरु के पद पर से ज्ञान नहीं पहुंचाया था जो ज्ञान आप संतमत में सुनते हैं योगी लोगों पर पता है आपको ज्ञान पाया। इसीलिए कहा परमात्मा के सही स्वरूप को और सही भक्ति को जानिए कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तंत्र में है, सर्वत्र है। हम और परमात्मा इस शरीर में है लेकिन अंतर यही है कि हमारे ऊपर माया का आवरण है, भूगट का पट है। इसीलिए भूगट के पट के रहने के कारण सामने किया परमात्मा है लेकिन नजर नहीं आती। तो भूगट का पट कैसे हटेगा उसी के कारण दृष्टि और ध्वनि योग साधन के लिए गुरु गुरु के दिए हुए मंत्र का जप कीजिए, फिर गुरु जो रूप को बता दे उस मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। मंत्र जप और रूप ध्यान से हृदय की शुद्धि होती है, हमारा हृदय सात्विक होता है, तब हम अपने अंदर के आनंद बल करने पर जो अंधकार का पड़ता है अंदर शरीर ज्योतिमय मंत्र जप और मानस ध्यान के द्वारा जो हृदय के विकार दोष छीन हो जाते हैं तब गुरु की बताई साधना है। मन जब परमात्मा ध्यान का स्थूल साधना है हृदय की शुद्धि के लिए,
सबके लिए धन्यवाद।